तो गाइस आज हमारा अयोध्या में पहला दिन है और आज सुबह की शेयर कर रहे हम लोग। और ये देखो अयोध्या का कुछ नज़ारा इस प्रकार से है। यहाँ पे देखो आगे यहाँ पे लिखा है जय श्री राम, ये फूलों से सजाया हुआ है। और ये देखो हर तरफ सिर्फ और सिर्फ भगवा रंग ही दिखाई देगा आप लोग को। देखो और गाइज यहाँ की सिक्योरिटी बहुत ही टाइट है, बहुत ही टाइट सिक्योरिटी है यहाँ। ये देखो तो देखो गाइज यहाँ से आगे वो सब कुछ लिखा हुआ है कि नया घाट आगे की साइड है और हनुमान गढ़ी इस साइड साइड में की साइड है। और जहाँ पे श्री राम प्रभु जी का मंदिर है वहीं पे हनुमान गढ़ी भी आती है। वहाँ से 500 मीटर की दूरी पर ही आता है हनुमान गढ़ी। तो देखो गाइस यहाँ से है हनुमान गढ़ी जाने का रास्ता। ये रास्ता जो जा रहा है हनुमान गढ़ी की तरफ जा रहा है। और यहाँ पे दोनों साइड बहुत सारे शॉप वगैरह बनाए हुए हैं, बहुत सारे शॉपिंग वगैरह करने के लिए प्रसाद वगैरह चाहिए तो वो भी मिलेगा। और यहाँ से हनुमान गढ़ी की दूरी पर थोड़ी दूर है, मतलब 500 मीटर की दूरी पर आता है हनुमान गढ़ी। और यहाँ पे सब लोग आ जा सकते हो, आज के दिन या हो या कल का दिन हो, 21 तारीख हो या 22 तारीख, कभी भी आप यहाँ पे दर्शन करने के लिए आ सकते हो। पर आपको अगर भगवान श्री प्रभु राम के मंदिर पर जाना है तो वहाँ जाने हमसे किसी को भी परमिशन नहीं है। वहाँ पे खाली ओनली और खाली VIP लोगों को ही परमिशन मिला है जो कल का दिन दर्शन कर सकते हैं। और हम लोग हैं जो परसों के दिन दर्शन वगैरह कर सकते हैं, यानी कि 23 तारीख से दर्शन वगैरह हम लोग कर सकते हैं वहाँ। तो देखो गाइस अभी हम लोग हनुमान गढ़ी के मंदिर के पास ही है, हम पहुँचने वाले है। और दोनों साइड दो बहुत सारी शॉप वगैरह है तो हम यहाँ से प्रसाद वगैरह लेंगे और हनुमान गढ़ी के मंदिर है वहाँ जाएंगे, श्री प्रभु हनुमान जी के दर्शन करेंगे, हनुमान जी के दर्शन करने के लिए जाएंगे। और सुबह का टाइम है तो ठंड भी बहुत थोड़ी बहुत ज़्यादा है यहाँ पे, ठंड तो लगी रही है। अभी जाएंगे अंदर और दर्शन वगैरह करेंगे कैसा है हनुमान गढ़ी वाला मंदिर। तो देखो गाइस हम लोग आ चुके हैं हनुमान गढ़ी मंदिर पर। ये सामने जो आपको दिख रहा है, ये सामने की साइड जो दिख रहा है वो हनुमान गढ़ी का मंदिर है। यहाँ से जाना है अंदर, वहाँ पर जाके हमको हनुमान गढ़ी के दर्शन वगैरह करना है। इसके बगल में एक दूसरा मंदिर है जिसका नाम है राजद्वार मंदिर है, मंदिर का नाम भी है राजद्वार मंदिर है। इसमें भी दर्शन वगैरह करने जाएंगे और हनुमान गढ़ी वाला मंदिर में भी दर्शन करें। पर इसमें ऐसा एक गाइस कि हमारे पास बैग वगैरह है, हमारे पास गिम्बल वगैरह है तो वो लोग मना कर रहे हैं कि अंदर लेके जा नहीं सकते, बाहर रखना पड़ेगा मोबाइल वगैरह सब कुछ। तो हम यहाँ पर किसी के पास प्रसाद लेंगे, उसके पास ही शॉप वाले पक्के पास हम मोबाइल वगैरह रख देंगे, हमारा ये बैग वगैरह, उसके बाद वगैरह अंदर जाएंगे दर्शन वगैरह करने के लिए। गाइस हम अंदर से आपको मंदिर वगैरह दिखा नहीं पाऊंगा, बाहर से मंदिर के दर्शन वगैरह करवाऊंगा क्योंकि अंदर सब कुछ अलाउड नहीं है, लेके जाने के लिए अलाउड नहीं। तो बाहर से मंदिर के दर्शन करो और उसके बाद जाएंगे ये राजद्वार वाला मंदिर है वहाँ पर। तो गाइज अभी हमको अंदर जाना है दर्शन के लिए, पर यहाँ पे भीड़ इतनी ज़्यादा है कि बहुत ज़्यादा भीड़ है यहाँ पे। तो कम से कम 1 घंटा तो लगेगा हमको दर्शन करने के बाद वापस बाहर आने में। तो अभी यहाँ से प्रसाद लेंगे और प्रसाद लेने के बाद हम लोग जाएंगे अंदर दर्शन के लिए। तो दर्शन के लिए अंदर जाते हैं, यहाँ से पहले प्रसाद ले लेते हैं उसके बाद जाएंगे अंदर। तो गाइज हम लोग हनुमान गढ़ी मंदिर के दर्शन वगैरह करके बाहर आ चुके हैं। अभी यहाँ पर दूसरी साइड हमें जो राजनाथ मंदिर है वहाँ पर आ चुके हम लोग। ये देखो यहाँ का छोटा सा गार्डन जैसा कुछ है और गार्डन के बगल में ही एकदम बगल में ये राजद्वार जैसा मंदिर है, मतलब राजनाथ मंदिर है। यहाँ से मंदिर की दूरी बहुत ज़्यादा नहीं, एकदम नज़दीक में मंदिर है यह हनुमान गढ़ी का मंदिर, वहाँ से एकदम नज़दीक में। और ये देखो ये है राजनाथ मंदिर, यहाँ पे जाएंगे हम लोग दर्शन वगैरह करने के लिए। तो यहाँ से सीढ़ियों से ऊपर जा रहे हैं, वहाँ से करेंगे ऊपर जाके दर्शन। यहाँ की देखते हैं कि मंदिर के दर्शन के लिए हम अलाउड है कि नहीं फोटो वगैरह करने के लिए। तो ऊपर चलते हैं और देखते हैं वहाँ पर क्या क्या है अभी देख। तो गाइज मैं अभी सिर्फ और सिर्फ आप सभी लोगों को दर्शन वगैरह करवाऊंगा, उसके बाद में घर जाकर एक डिटेल्स में वीडियो बनाऊंगा कि यहाँ के दर्शन वगैरह कैसे करना है और क्या इतिहास इन मंदिरों का, उसके बारे में सब कुछ बनाऊंगा और एक वीडियो जरूर बताऊंगा। फिलहाल अभी हम लोग दर्शन वगैरह करते हैं यहाँ पे आके। तो देखो गाइज हम लोग आ चुके हैं राजद्वार मंदिर पर। ये राजद्वार मंदिर है पूरा, और इसमें भी लोग मना कर रहे हैं कि यहाँ पे वीडियो अंदर बना नहीं सकते, बाहर से मंदिर देख सकते। तो हम लोग यहाँ पे गाइज किसी भी मंदिर के अंदर वीडियो वगैरह बना नहीं सकते, फोटो वगैरह नहीं खींच सकते, खाली बाहर से मंदिर के दर्शन वगैरह कर सकता हूँ मैं। और
मंदिर के दर्शन वगैरह बाहर से भी आप सभी को करवा सकते हो। अंदर तो हम लोग जा ही रहे, अंदर दर्शन वगैरह करेंगे, पर अंदर वीडियो बनाना अलाउड नहीं है अभी के लिए। बाद में तो ये लोग बनाने देते ही यहाँ पे, अभी के लिए फिलहाल यहाँ वीडियो बनाना अलाउड नहीं है। और गाइस, हमारा जो प्रभु श्री राम का मंदिर बन रहा है वहाँ पर सिर्फ और सिर्फ VIP लोगों को ही एंट्री है। जिसको पास वगैरह मिला उसी के लोगों को एंट्री है, हम जैसे लोगों को एंट्री नहीं है। अगर हम दर्शन वगैरह करना है तो हम लोग को 23 तारीख का वेट करना पड़ेगा। 23 तारीख को हम लोग दर्शन वगैरह करेंगे। 23 जनवरी 2024 से दोपहर 12 बजे के बाद हम लोग प्रभु श्री राम के दर्शन वगैरह कर सकते हैं। अभी के लिए हम लोग दर्शन वगैरह नहीं कर सकते हैं यहाँ पे। तो देखो गाइस, हम लोग वापस आ चुके हैं हनुमान जी के मंदिर पर। जो हनुमानगढ़ी मंदिर है वहाँ पर वापस आ चुके हैं। दूसरे मंदिर है वहाँ से दर्शन वगैरह करके ऐसे घूम के वापस आ चुके हैं। और हमने नाश्ता वगैरह नहीं किया, तो अभी हम लोग नाश्ता वगैरह भी कर लेंगे। और नाश्ता वगैरह करने के बाद जाएंगे आगे की साइड, जो सरयू घाट है, सरयू घाट की तरफ जाएंगे। वहाँ भी बहुत कुछ देखने लायक है, वहाँ भी देखने का बहुत ही अच्छी अच्छी जगह वगैरह है। वहाँ भी जाएंगे, दर्शन वगैरह वहाँ भी करेंगे। जो सरयू रिवर है उसका भी दर्शन करेंगे और दिया वगैरह सब जलाते हैं वहाँ पे। तो वहाँ भी जाने के बाद दिखाऊंगा आप। तो गाइज, अभी थोड़े दिन के लिए हमारे देश में जितनी सारी आर्मी वगैरह है वो सब यहाँ पे है। ब्लैक कमांडो हुए, इंडियन आर्मी हुए के या फिर NSD हुई, सभी सारे के सारे टीम यहाँ पर है, तैनात है अभी के लिए। और ये देखो, ये सब आर्मी के जवान हैं यहाँ पे। और बहुत सारी पुलिस है, पूरे उत्तर प्रदेश की पुलिस वगैरह भी यहीं पर है, अकेले अयोध्या के अंदर ही। तो देखो गाइज, यहाँ पे आर्मी की गाड़ियाँ वगैरह खड़ी है। और ये देखो सामने ब्लैक कमांडो की गाड़ी भी है। और ये आर्मी वाले सब यहाँ पे खड़े हैं। जो हनुमान चट्टी जाने का रास्ता है वहीं रास्ते में ये लोग खड़े हैं। तो गाइज, अभी हम लोग जा रहे हैं प्रभु श्री राम जी के मंदिर पर, जो यहाँ से 500 मीटर की दूरी पर है प्रभु श्री राम जी का मंदिर। तो वहाँ पर जा रहे हैं अभी हम लोग। ये रास्ते वहाँ पे वो लोग बता रहे हैं कि वहाँ बाहर की साइड का नज़ारा बहुत देखने लायक, और बाहर में बहुत कुछ बनाया हुआ है। जो अंदर के साइड मंदिर के अंदर के दर्शन हम लोग नहीं कर सकते, पर बाहर के तो दर्शन वगैरह हम लोग कर सकते हैं। तो आप देख ही सकते हो गाइस, हम लोग आ चुके हैं। ये जो सामने आपको दिख रहा होगा वहाँ का गेट है, मंदिर के अंदर जाने का गेट वगैरह है। यहाँ जो ऊपर लिखा है प्रभु श्री राम जन्मभूमि का जाने का गेट वगैरह। और ये देखो, ये बाहर का गेट वगैरह है। और यहाँ से प्रभु श्री राम की जन्मभूमि यानी प्रभु श्री राम का मंदिर, यहाँ से अंदर जाते ही हमें प्रभु श्री राम का मंदिर देखने को मिलता है। यहाँ से अंदर जाने का रास्ता है देखो, और ये बाहर की साइड का कुछ इस प्रकार से नज़ारा है यहाँ का देखो। तो देखो गाइज, यह है मंदिर के अंदर जाने का रास्ता। और गाइज, यहाँ से अंदर जाते ही हमें श्री प्रभु राम जी की मूर्ति वगैरह, उसका मंदिर वगैरह देखने को मिलता है यहाँ से अंदर जाते ही। तो देखो गाइज, अभी तो हम लोग बाहर से दर्शन वगैरह कर सकते हैं, अंदर जाने की हम लोग को परमिशन वगैरह नहीं है। देखो ये बाहर से दर्शन, अगली बार जब वापस आएंगे तब अंदर से भी दर्शन वगैरह करेंगे मंदिर के। तो देखो गाइज, ये लोग अपनी कला का प्रदर्शन कर रहे हैं। मतलब हर एक अलग अलग राज्य से लोग आए हुए ऐसे अपनी अपनी कला का प्रदर्शन कर रहे हैं। मतलब अपने अपने राज्य के बारे में कुछ बताने जाते हैं और अपने राज्य की कला का प्रदर्शन यहाँ पे कर रहे हैं अयोध्या के अंदर देखो। और गाइज, अभी हम लोग आगे आगे चलते ही जा रहे हैं, आगे आगे देखते हैं कि क्या क्या आता है रास्ते में देखने लायक। तो सब कुछ देखते हुए हम लोग जाएंगे सरयू घाट के किनारे पर। तो देखो गाइज, ये लोग भी यहाँ डांस वगैरह कर रहे हैं, जो कला का प्रदर्शन कर रहे हैं। मतलब यहाँ नगाड़े बगाड़े बजा रहे हैं और इसके साथ डांस वगैरह कर रहे हैं। देखो आप, देखो आगे मैं दिखाता आपको पूरा वीडियो यहाँ का। तो देखो गाइस, ये पूरी अयोध्या को लाइटों से और फूलों से सजाई हुई, देखो पूरी अयोध्या को। तो देखो गाइस, यहाँ पे एक बहुत बड़ा सूर्य बनाया हुआ है। तो देखो गाइस, यहाँ पे पूरा अयोध्या का मंदिर का एक पेंटिंग मतलब डिजाइन वगैरह बनाकर यहाँ पे रखा है। देखो कितना मस्त लग रहा है मंदिर। देखो गाइज, अभी हम लोग आ चुके हैं बाहर की साइड। देखो हमने बहुत सारी इंस्टाग्राम की रील वगैरह में ये वाली जगह देखी होगी आपने।